अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, कपड़े चेंज भी कर लिए हैं और आज था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और यहाँ पर देख लो दोनों मम्मी और दीदी लगे हुए हैं और ये सब ना मेरे जाने के बाद ही करते हैं, हैं? मेरे जाने के बाद ही, ताकि पीयू खराब ना करे। अब देख लो क्या बोल दिया, ताकि पीयू खराब ना करे। मैं आपको तो पता ही है ना, आप इतना तो मुझको जानते हो ना कि मैं खराब नहीं करती हूँ। देखो कितनी झूठी, ओ कितनी झूठी बोलती है ये। ओ मम्मी देख लो कितनी झूठ, मैंने आपको तो पता ही है ना मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती हूँ। इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाया था तो सारा बिगाड़ के रख दिया था। अच्छा तो वो तो मेरा था ना। हाँ तो तो मेहनत तो दीदी ने की थी ना, तो मेहनत करी थी पर मैं बिगाड़ती तो नहीं हूँ ना। तो देख लो दोनों कितने झूठ बोल रहे हैं। दीदी क्या करने भी लगी है, क्या करनी है? इसको पूरा ग्रीन कर रही हूँ ताकि अच्छा बैकग्राउंड बन जाए इसका। क्या इसका क्या करेगी? ये चिपकाऊंगी ना यहाँ पर। क्या ये क्या कहते हैं ग्लास को? तो देख लो आज दोनों माँ बेटी मेरे से, मेरे को बताया भी नहीं एक्चुअली इसने, उन्होंने सुबह मेरे को बताते तो मैं इनकी थोड़ी सी सुबह हेल्प भी कर देती। हाँ तो सुबह कैसे हेल्प करती, आपका पेपर था ना। तो अच्छा वो पेपर था, पेपर नहीं होता तो पेपर बिगाड़ कर देती। हाँ, हाँ जब आप, मैं छुट्टी कर ली थी ना, अपना अलग से बनाना ठीक है। अच्छा फिर मेरी हेल्प कौन करेगा? आप तो अपनी बेटी की हेल्प कर दोगे। तो देख लो क्या कर रहे, आप अपने लिए खुद अपने आप से बनाना। अब बताओ कौन झूठ बोल रहा है, मैं या मम्मी? आप मैं नहीं बोल रही, देख लो क्या बोल रही है, पीयू झूठ बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं। तो आज ये दोनों लगे हुए हैं अपने काम पे। अब पीछे देख क्या चल रहा है, पीछे ये चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें? और ये डॉल देख कैसे रखी हुई है, इसको सही कर। आते ही पीयू ने पूरा कमरा फैला दिया है हमारा, अब दोबारा से साफ सफाई करनी पड़ेगी हमें अपने घर की। बस अभी दोपहर का बज रहा है 1:30, तो और हमने खाना वाना खा लिया है। पीयू ने तो आते ही अपना खा लिया था क्योंकि इसको बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने चावल छौंक दिए थे, छौंक के गई थी मैं यहाँ से ही। पीहू को स्कूल लेने के लिए गई थी तो जल्दबाजी में बस मैंने जूड़ा बनाया, जूड़ा मेरा खुल चुका है। अभी बस चोटी बनानी रह गई है, चोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, अलग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैं जाऊंगी दूसरे वाले प्लॉट में क्योंकि वहाँ पे रखी हुई है बुरकली जो होली में पूजा वाले दिन यूज़ होती हैं, तो बस उनको जाना है पलटने के लिए क्योंकि 2-3 दिन उनको हो गए हैं। तो बस अब पलटने जाऊंगी, सूख चुकी हैं वैसे, आज शाम को हो सका तो उनकी माला बनाएंगे। तो बस आप सभी के साथ वो मैं शेयर करूँगी। और सूट बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है मुझे, शायद मैं पतली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लूज है ये वाला सूट। आज मैंने कई दिनों बाद पहना है, मम्मी के वहाँ गई थी तो उससे पहले ही मैंने ये पहना था, तो वहाँ मैं लेके नहीं गई थी इसको, तो आज मैंने पहना है इतने दिनों बाद, बहुत ज़्यादा लूज रखा है ये, तो इसकी फिटिंग भी करनी है। तो चलिए अभी चलते हैं उस वाले प्लॉट में, तो दिखाती हूँ आपको कैसे किस तरह से हमने बुरकली बनाई है।
है बुरकली की माला, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जाके। तो यहाँ पर देखो ये बना लिए हमने, तब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो हमने बना लिया सारी, ये माँ जी की, किराएदार की, मतलब हम सब की है। हमने सारी बना ली है और अब शाम को हम इनको जब होली पर जाएंगे, पूजा करने जाएंगे, तो जब हम होली पर जाएंगे आज शाम को, तो जब हम शाम को जाएंगे पूजा करने, तो तब इनको ले जाएंगे और मुंडी और ये सब पूजा करेंगे। तो अभी मैं लाई हूँ बाहर से कपड़े उतार के, जो कपड़े मेरे तय बना के रखने वाले हैं उनको मैं तय बना के अलमीरा में रख दूँगी, जो प्रेस के हैं उनको मैं साइड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने पीयू को बैठाया हुआ है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, घर के कामों के साथ, यूट्यूब के साथ, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस अभी मैंने इसको भी बैठाया हुआ है, काम के साथ साथ इस पर भी ध्यान रखूँगी और इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अलमारी थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े बिखरे हुए हैं अलमारी के। तो घर को तो मैंने अच्छे से मॉर्निंग में ही क्लीन कर दिया था और बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस फ्रिज बाकी रह गया था। तो अभी मेरे पास टाइम था तो सोचा कि फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसमें पता नहीं क्या छोटे छोटे से मच्छर आ जाते हैं इस सीज़न में, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इन मच्छरों से, तो बस वही थे, तो बस अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। अभी जो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, और पूजा करनी है मुझे अभी। और एक तरफ रखी हुई है गैस पे सब्जी, तो सब्जी छौंक दी है मैंने, आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और सिंपल सी बनाई है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया है उसमें। और अभी बनाना है गाजर का रायता, तो गाजर रख दी है मैंने उबलने के लिए। और अभी दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भवी कर रही है पीहू का क्वेश्चन पेपर चेक, जो इसका आज इंग्लिश का पेपर था, तो बस वही चेक कर रही है। और बीहू कर रही है ड्राइंग की प्रैक्टिस, क्योंकि कल है इसका ड्राइंग। और दूसरा वाला पेपर कौन सा तेरा दूसरा वाला पेपर कौन सा दूसरा ड्राइंग दो पेपर है ना, एक तो जनरल नॉलेज है, दूसरा ड्राइंग है। तो जनरल नॉलेज की आपने तैयारी हो गई ना, अभी ड्राइंग का थोड़ा सा बाकी है ना, वो तो मैंने करा दी है, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा ड्राइंग में दिखा क्या बनाया तुमने? अच्छा, तो ड्राइंग में मैंने बना है लायन। तो ये देखिए इतना इतना मतलब वो बनाती है तू, एकदम दिखता नहीं है ढंग से। पीहू ने यहाँ पे बनाया है ये लायन, वो अभी बुक में से देख के देखो। ये देखिए, तो यहाँ पे पीहू ने ये लायन बनाया है, और कल इसके जो एग्जाम है उसमें लायन और फिश आएगी। और तो मेरे को इन दोनों में से यहाँ पे बनाई है पीहू ने फिश, तो ये वाली फिश पीहू ने बनाई है, ये वाली मैंने बनाई है। कोई देख के हंसेगा, कोई देख के हंसेगा। तो बस अब इसकी थोड़ी बहुत रह गई है जनरल नॉलेज की तैयारी, अभी कर ली है ये अपना ड्राइंग की प्रैक्टिस। अगर मेरा पेपर हो गया तो मैं आपसे बहुत बातें करूंगी, पर अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे बातें नहीं कर सकती। हाँ, अभी पीयू अपना जल्दी से तैयारी करेगी, क्योंकि दो दो पेपर है पीयू के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है ना पीयू। हाँ, आज पीयू पूरा दिन हो गया पीयू को पढ़ते पढ़ते, तो वैसे पीयू की तैयारी कम्प्लीट है, बस थोड़ा सा ड्रॉइंग में है इसका, तो अपना ड्रॉइंग भी अच्छे से कर लेगी, अच्छे से सीख भी लूंगी। तो देखो अब मैंने एक ड्राइंग बना तो ली है, तो पता नहीं क्या अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगती है तो अभी से कह देती हूँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।